हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिजिक्स फैक्ट बाय एफसीएक्स एट के चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटेट 2019 को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें 15 से 16 वीडियो अपलोड होंगी। उन सारे वीडियो को अगर क्रम से आप देख लेते हैं तो आपका सारा जो है सीटेट में जो ईबीएस का स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत और काफी अच्छा मार्क्स वाला आने शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले जो कि हम लोग जो टॉपिक को बात किया गया था, उस टॉपिक में एनसीईआरटी कहानियां कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद रेलवे समय सारणी, उसके बाद मैंने डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। आज हम लोग जो चल रहे हैं वो पेडागॉजी के पार्ट पे चल रहे हैं। तो जो पेडागॉजी है उसके अंतर्गत मैं 5 वीडियो जो है पेडागॉजी का अपलोड कर दिया हूं। एक्चुअली ये वीडियो 1 या 2 में थी, लेकिन जो है वीडियो को लेंथ कम करके मैं छोटे छोटे पार्ट में अपलोड कर रहा हूं, जिससे ये पार्ट 6 है। इसके बाद एक और पार्ट अपलोड करूंगा, पार्ट 7, और पेडागॉजी लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि पार्ट 6 में जहां तक हम लोग का थीम से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा था, उस क्वेश्चन में इससे पहले जो हम थीम की बात कर लिए थे वो परिवार और मित्र की बात कर लिए थे, और उसके अंतर्गत 4 थीमों को भी बात कर लिया गया था। आज उसी थीम का हम दूसरा और तीसरे थीम की बात करेंगे, जिसमें कौन सा थीम रहेगा आज? आज का जो थीम है वो है भोजन एवं पानी। ये 2 थीमों का आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे इन थीमों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि जो है इससे जो मैं रिलेटेड बताऊंगा वो आपके सेक्शन में कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और अब मैं स्टार्ट करता हूं उसके एक पॉइंट पे, ठीक है? चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, भोजन। तो एक चीज तो पहले आप जान लीजिए कि भोजन जो है वो थीम में इसलिए लाया गया है क्योंकि छोटे बच्चे जो होता है भोजन को अगर सही ढंग से ग्रहण करेंगे या सही ढंग से लेंगे तो उनका जो शरीर होगा वो एक संतुलित भोजन के तहत जो है काफी हृष्टपुष्ट और उनकी बुद्धि जो होगी बड़ी कुशाग्र होगी। इसलिए भोजन वाले थीम को वो इसी क्लास 3, 4, 5 के ईवीएस वाले सेक्शन में अपलोड किया गया है या उसको दिया गया है। तो देखते हैं कि भोजन से क्या है। तो भोजन को देखते हैं, तो भोजन के अंतर्गत हम उनको कुछ चीजें से अवगत कराएंगे जिससे उनका कॉन्सेप्ट जो होगा भोजन के प्रति जो है वो बदलने का हम प्रयास करेंगे। पहला ये बताएंगे कि आप क्लासरूम में जाने के बाद उन्हें ये लगता है, छोटे बच्चे हैं उन्हें ये लगता है कि भोजन जो है मार्केट से खरीद के आता है, क्योंकि उनके मम्मी पापा या दादा लोग जाते हैं वो मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यही पता होता है कि भोजन मार्केट से आता है। तो पहली बात, एक टीचर का एक दायित्व तो बनता है कि भोजन मार्केट से नहीं आता, बल्कि भोजन को या जो है अनाज को किसानों द्वारा अपने खेतों में तैयार किया जाता है। तो जब किसानों के द्वारा जो किए गए कार्यों को यदि हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे उस भोजन की, उस अनाज की कीमत समझेंगे और उसके संरक्षण के लिए भी प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत आप जो टॉपिक दे सकते हैं वो आप देख सकते हैं, बीज का पहचान करना, अच्छे बीजों की पहचान करना, और आपकी जुताई करनी यानी खेतों की जुताई करना, खेतों में बीज को बोना, उसके बाद जो है बीज का जो है मतलब जो है फसल जब छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं तो उसको कहते हैं निराई करना, उसकी निराई करना, उसमें कीटनाशक या जो है उर्वरक का प्रयोग करना, साथ में उसमें सिंचाई करना, उसके बाद बड़े हो जाने पर फसल की कटाई करना, उसकी थ्रेशिंग करानी मतलब उसमें से घास भूस को जो है अलग करना, उसके बाद जो है उसका स्टोरेज कराना यानी उसको जो है कहीं ना कहीं रखना, यानी ये होता है। इन सब चीजों से अगर बच्चों को आप अवगत कराते हैं तो बच्चे जो होंगे वो काफी अच्छा भोजन के बारे में समझ जाएंगे, अनाज की कैसे अनाज आता है तो उसकी कीमत को समझेंगे। दूसरे टॉपिक की बात करें, ये आपका पहला था, इस पॉइंट को पहले पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की बात करें तो भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसको इसका जो है बच्चों को ज्ञान कराना। ये आप ज्ञान कैसे कराएंगे, तो एक एग्जांपल आप बिल्कुल ले सकते हैं कि इसमें किसी जो है कक्षा में बता सकते हैं ये एग्जांपल के तहत कि 2 लड़कियां या 2 लड़के हैं जिसमें से एक घर से खाना खा के आती है
और एक जो है बिना घर से खाना खाए आती है। तो जो घर से खाना खा के आती है वो उसका पढ़ाई में मन लगता है, वो धीरे धीरे कुशाग्र बुद्धि को जाती है, और जो बिना खाना खाए आती है उसको नींद लगता है और उसको क्या होता है वो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इसके द्वारा हम दिखाएंगे कि भोजन, अगर कोई लड़का भोजन करके आता है स्कूल में तो उसका जो है मन पढ़ने में बहुत ज्यादा लगता है। ठीक, ये दूसरे पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप कोशिश करिए नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करते रहेंगे तो आपको दोबारा वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है इससे क्वेश्चन आपके श्योर एंड सर्टेन आने वाले हैं। अगला बात करें तो भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है, बात करते हैं तीसरा, तो भोजन का पाचन कैसे होता है, इसका जो है एग्जाम्पल उपलब्ध कराने के लिए वो जो होते हैं, हम एक ग्लास ले लेंगे, उस ग्लास में क्या करेंगे, एक में आपको यानी पानी को भर देंगे और दूसरे ग्लास में आप क्या करेंगे, एक ग्लास में हमने पानी को भरा है और दूसरी ग्लास में आपने क्या भर दिया है, कोई भी पाचक रस, जिसमें क्या होता है भोजन जो आसानी से पच जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, ब्रेड का टुकड़ा डालेंगे, पानी वाले में डालेंगे और इसमें भी डालेंगे, यानी जो पाचक रस वाले में डालेंगे, तो देखेंगे कि पानी वाले में रोटी का टुकड़ा 2 घंटे बाद भी जस का तस है, लेकिन पाचक रस वाले में रोटी का टुकड़ा कुछ देर के बाद गायब हो जा रहा है। तो बच्चों को यह बताएंगे कि हम लोग के पेट में भी कुछ पाचक रस पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि भोजन को अगर हम खाते हैं वो कैसे पचता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ पाचक रस पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आराम से दोस्तों समझते रहिएगा, हर एक टॉपिक को ऐसे ही समझना है आपको, धीरे 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 करके समझना है, और जब आप वीडियो को पूरा क्रम से एक साथ देख लेंगे तो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन जो है काफी मजबूत हो जाएगा और आपके नंबर भी काफी अच्छे आएंगे, ये हमें कॉन्फिडेंस है। चलिए बात करते हैं अगले पे, बात करते हैं कि अगला जो है यानी ये हो गया भोजन के पाचन का। अब देखते हैं कि भोजन में उपस्थित जो स्रोत है, यानी भोजन में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट है यानी पोषक तत्व है, उनके कौन कौन से स्रोत है, तो इनको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो भोजन में उपस्थित जो स्रोत है यानी भोजन में जो जो स्रोत आते हैं, उन स्रोतों को अवगत कराने के लिए बच्चों को मिड डे मील का प्रयोग करना, मिड डे मील जो मध्यान्ह भोजन मिलता है उसका प्रयोग करना, या तो बच्चों के टिफिन खोलकर उसके द्वारा बताना कि बच्चों को टिफिन खोल के दिखाना कि बेटा इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इससे आप में वसा मिलेगा, इससे फैट मिलेगा। जब इन चीजों का आप बताएंगे तो बच्चे का दिमाग जो है बड़ी तेजी से काम करेगा और उसको भी लगेगा कि उसको कौन सा भोजन लेना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं लेना चाहिए, और धीरे धीरे उसके उसके में संतुलित भोजन का एक जो है एक वो बन जाएगा, यानी एक जो तरीका हो जाएगा संतुलित भोजन लेने का तरीका हो जाएगा उसको, और वो धीरे धीरे क्या होगा कुशाग्र बुद्धि का हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट है कि कौन सा भोजन के जो स्रोत है उनकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी पहचान करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सा भोजन जो है उसमें जो है स्रोत में, तो वो बच्चों का टिफिन खोलकर या दूसरे को मिड डे मील भोजन क्या मिड डे मील यानी मध्यान्ह भोजन का प्रयोग करके, या आप साथ में यूज भी कर सकते हैं जो मध्यान्ह भोजन का चार्ट लगा होता है उसमें डेली का रूटीन लिखा होता है और रूटीन के साथ लिखा रहता है इसमें क्या क्या मिलेंगे और उसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, तो सारी चीजों का प्रयोग करके बच्चों को पोषक तत्वों के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार करते हैं, इन सबकी पहचान हम लोग इस लाइन में कर सकते हैं। बात करते हैं अगला कि कौन सा भोजन अच्छा है या कौन सा भोजन खराब है, इसकी भी पहचान करानी बच्चों को, कौन सा भोजन अच्छा है और कौन सा भोजन खराब है, इसकी पहचान कराने के लिए आप 2 तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तरीका आप यूज ये कर सकते हैं कि जो अच्छे भोजन होते हैं या अच्छे अनाज होते हैं या जो बीज के रूप में होते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर बीज वाले जो है अनाज है तो उनमें क्या होता है कि वो अच्छा कैसे पहचान कर सकते हैं, तो उसको आप किसी भी बर्तन में पानी भरकर डाल दीजिए, तो जो अच्छे किस्म के रहेंगे वो क्या होंगे बीज, चले जाएंगे तली में चले जाएंगे, और जो खराब किस्म के रहेंगे वो पानी में ऊपर तैरते हुए रहेंगे। तो हम अगर जो बीज वाले हैं उनकी पहचान इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरी बात बताऊं तो उनको पोषक तत्वों के आधार पर भी पहचान करना सिखा सकते हैं,
कि बेटा इसमें जो है पोषक तत्व तो ज्यादा पाए जाते हैं और इनमें पोषक तत्व तो कम पाए जाते हैं। तो जो इसमें पोषक तत्व तो ज्यादा पाए जाते हैं वो भोजन हमारे लिए अच्छा होता है और जिनमें पोषक तत्व तो कम पाए जाते हैं वो भोजन हमारे लिए खराब होता है। इसका एग्जाम्पल आप दूध को ले सकते हैं और किसी ऐसे चीज को ले सकते हैं जो जैसे समोसा को ले लीजिए और जो बाहरी वस्तुएं होती है उन सबको ले लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको तरीके से आप हमको बता सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो जो भोजन है या जो खाद्य पदार्थ है वो कैसे खराब होता है इसकी पहचान करने के लिए आप पहला जो है इस यूज कर सकते हैं ब्रेड के टुकड़े। ब्रेड के टुकड़े पर प्रयोग करके आप ये पहचान कर सकते हैं कि कौन सा भोजन अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेड के टुकड़े में जो होता है वो फफूंद जो होते हैं जिनको फंजाई कहते हैं वो बड़ी तेजी से लगना प्रारंभ होते हैं। तो अगर ब्रेड के टुकड़े को आपने देख लिया, उसको एक दिन आपने क्लासरूम में छोड़ा है, अगले दिन बच्चे फिर आते हैं तो उनको क्लासरूम में फिर दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसमें दिखेंगे व्हाइट व्हाइट का, क्या होगा व्हाइट व्हाइट का जो है मतलब फफूंद जैसा लग जाएगा, यानी फंजाई धीरे धीरे क्या होंगे उस पर चिपकने लगेंगे। तो हम लोग बच्चों को बताएंगे कि देखिए बेटा अगर भोजन काला हो रहा है या उसमें फंजाई लग रहे हैं या मतलब जो है फफूंद लग रहे हैं तो भोजन धीरे धीरे क्या होता है खराब हो जाता है। तो जो बेटा है वो भी अपने जब घर पे जाएगा तो वो भी क्या करेगा, देखेगा कि जैसे ही भोजन में कोई फफूंद लगता है या भोजन में कोई भी फंजाई लगना शुरू करती है या भोजन धीरे धीरे खराब होने लगता है और या उसकी स्मेल खराब होने लगती है तो समझ जाएगा कि ये भोजन खराब हो चुका है। तो इसकी भी पहचान करने के लिए आप ब्रेड के टुकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। सारा आपके पेडागोजी में ऑलवेज दिया है, उन सारी चीजों को आप जोड़ के यूथ वाले पेपर से सॉल्व करते हुए लगाइएगा, आपका ज्यादा जो है सही होगा। चलिए बात करते हैं अगला, खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है इसकी पहचान बच्चों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना। खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है वो कैसे किया जाता है, यानी जो खाने वाले पदार्थ है उनको खराब होने से बचाने के लिए उसका संरक्षण कैसे करते हैं। तो एक मैंने आपको कहानी बताया था, कहानी था खाओ आम बारहो महीने, उस कहानी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे उस कहानी में लिखा था कि हम भोजन को क्यों करते हैं या भोजन को संरक्षण करने के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं, एक भोजन को गर्म करके और एक भोजन को ठंडा करके। तो भोजन को गर्म करने के दौरान आप उसे धूप में सुखा सकते हैं, सेक सकते हैं, तल सकते हैं, भून सकते हैं, उबाल सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं और अन्य तरीकों से उसे आप संरक्षित कर सकते हैं। ये गर्म करने का प्रोसेस हो सकता है। गर्म करने से क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो प्लीज दोस्तों आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा चीजों को, अगर आप पेपर को उठाएंगे तो पेपर के पैटर्न जो है सेम एकदम। गर्म करने पे जो होते हैं वो भोजन जो भोजन होता है या खाद्य पदार्थों में जो नमी होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जब किसी चीज में नमी समाप्त हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया या जो अन्य जो है मतलब जो है जो खराब करने वाली चीजें हैं वो उनके लगने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। इसलिए आप गर्म करके भी कर सकते हैं। ठंडा करने पे भोजन जो उसमें उपस्थित होते हैं बैक्टीरिया वो निष्क्रिय हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी सेट में आया हुआ है कि भोजन में बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं, भोजन के बैक्टीरिया मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि ठंडा करने पर भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। तो निष्क्रिय हो जाएंगे तो उनका प्रजनन कार्य रुक जाएगा और भोजन संरक्षित हो जाएगा। तो ये जो थीम है ये भोजन का थीम था, इसको हम लोग डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले थीम पे। अगली थीम जो है और मैं इसी के साथ दोस्तों जो है मैथ का पेडागोजी स्टार्ट कर रहा हूं, यानी इसके बाद जैसे ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सीटेट 2019 को, जिसमें मुझे लग रहा है कि बहुत कम 7 से 8 दिन बचे हैं, तो उसमें मैं मैथ का पेडागोजी कराऊंगा। मैथ के पेडागोजी को आप मैथ सेक्शन को अच्छे से देखते रहेगा, मैथ का जो पेडागोजी वाला पोर्शन है उसको मैं करा दूंगा, तो आपका जो मैथ का पेडागोजी वाला पोर्शन है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं ये पेडागोजी जो है इसका पेडागोजी करा रहा हूं, यानी आपका जो है ईबीएस सेक्शन है। तो अगला जो है उसका नाम है पानी।
पानी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग देखेंगे कौन से कहानियों से रिलेट करता है। यानी जैसे हम लोग पहले कहानी को देखा जाए कौन कौन सी कहानी थीम से रिलेटेड है, तो पानी का प्रयोग और पानी कहीं कम कहीं ज्यादा, और उसके बाद जो है मच्छरों की दावत थी, उसके बाद देखा जाए तो देखा जाए और पानी से रिलेटेड कौन कौन सी कहानियां थी, तो पानी का प्रयोग हो गया, और उसके बाद जो है पहाड़ों से लेकर समुद्र तक ये सब सारी कहानियां किससे रिलेटेड थे, तो पानी का। इन सारी कहानियों के द्वारा बच्चों को एक एक पॉइंट को दर्शाया गया है। तो मैं आराम से बता रहा हूं, उसको सुनिएगा, सुन के ही क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करिएगा। चलिए बात करते हैं पानी। तो सबसे पहले देखेंगे कि पानी का उद्गम स्थान क्या है या पानी कहां से आता है और पानी का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है यानी पानी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है और पानी हमारे लिए किस किस प्रकार उपयोगी है। इन सभी की जानकारी देने के लिए, और जो है पानी अगर नहीं होगा तब कैसे स्थिति होगी, सब चीज को दर्शाने के लिए एक कहानी प्रयोग की गई है जिसका नाम है पानी। पानी कहीं कम कहीं ज्यादा, यानी पानी का, पानी कहां से आता है, पानी की भारत के किस हिस्से में पानी की अधिकता है, किस हिस्से में पानी की कमी है, पानी की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और पानी जो है उसका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। सारी चीजों को ज्ञान करने के लिए हम कौन सी कहानी प्रयुक्त किए थे, पानी कहीं कम कहीं ज्यादा। इसमें थोड़ा सा बताऊं तो एक आपको याद रखना है, भीमा पंचायत संघ है जिसका काम होता है जल संरक्षण करने का काम किया जाता है भीमा पंचायत संघ द्वारा। चलिए अगली बात करते हैं कि पानी जो थीम है, पानी के द्वारा हम देखते हैं जल प्रदूषण से भी बच्चों को अवगत कराए, यानी पानी का जो है हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है, तो उन उपयोगों को ध्यान रखते हुए जो उसमें यानी जो आपके प्रदूषण हो रहे हैं यानी जल प्रदूषण जो धीरे धीरे हो रहा है उसका क्या रीजन है। तो जल प्रदूषण से बच्चों को अवगत कराने के लिए हम ये देखेंगे कि बताते हैं कि जो हम लोग कहानी यूज की गए पहाड़ों से समुद्र तक, तो उसमें स्टार्टिंग में यही बताया जाता है कि जब कोई नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो उसका पानी क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है, यहां तक कि उसे पी भी सकते हैं। और जैसे जैसे वो क्या करती है यानी मैदानी भागों से होकर अपने नदी के मुहाने तक पहुंचती है, उसका पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण है हमारे घरों से निकलने वाला दूषित या अपशिष्ट जल। ये सब सारी कहानियों को हम लोग एनसीईआरटी वाले कहानी में डिस्कस पहले से कर चुके हैं, तो वहीं का बस वहां से जो थीम निकल के आ रहा है उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रयुक्त कहानी है जल प्रदूषण से बच्चों को अवगत कराने के लिए, जल प्रदूषण के कारण जो है हमें कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, जल प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, जल प्रदूषण का स्रोत क्या क्या, यानी जल प्रदूषण से जितनी जानकारियां हैं उनको एक ही कहानी में मेंशन करेंगे। उस कहानी का नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। ठीक है दोस्तों, यानी पहाड़ों से समुद्र तक की कहानी में जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है, जल प्रदूषण के कारण हमें बीमारियां कौन सी हो रही हैं, जल प्रदूषण के कौन कौन से भाग होते हैं और जल प्रदूषण को रोकथाम कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों की जानकारी जो है पहाड़ों से समुद्र तक की कहानियों के अंतर्गत ही डिस्कस किया जाता है। बात करते हैं अगला, तो जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण के कारण या पानी के कारण जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं उन सबको, बीमारियों को इस कहानी में डिस्कस किया गया है। यानी ये तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि पानी के कारण जो जो बीमारियां हो रही हैं उन बीमारियों को, कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं उन बीमारियों से बच्चों को अवगत कराना तथा उसके रोकथाम के भी उपाय को बताना। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जल से यानी जो है पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इस बीमारियों को पहले मैंने यूपी टेट में जो है जल प्रदूषण के थ्रू बता दिया है, तो आप जितनी भी बीमारियां हैं जल प्रदूषण से या पानी से होने वाली बीमारियां हैं सारी बीमारियों को आप कमेंट बॉक्स में क्रम से लिखेंगे, एक दो बार लिखिएगा आपको याद हो जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं
सब पहाड़ों से लेकर समुद्र तक बात करते हैं और पानी की क्या क्या उपयोगिता है वो देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। पानी जल प्रदूषण के बारे में चर्चा यहाँ पे करेंगे और जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां जो है उन सबकी चर्चा हम तीसरी लाइन में करेंगे कि जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती है और जल प्रदूषण उसके रोकथाम के क्या क्या उपाय। इसके लिए जो प्रयुक्त कहानी है वो है मच्छरों की दावत। ये आपका हो गया लगभग पानी का जो है वो हो गया पेडागोजी, यानी लगभग हम लोग दो थीम को आज डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक वीडियो और होगी और उस वीडियो में हम लोग थीम नंबर जो है फोर्थ फिफ्थ सिक्स छह थीम को क्लियर कर लिया जाएगा और ये आपका ईबीएस वाला सेक्शन जो है पेडागोजी का कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करेगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करेगा। धन्यवाद।